जीके इन शॉर्ट पर जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें ताकि आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। वेलकम फाइंडर्स, आप देख रहे हैं जीके इन शॉर्ट। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान की जनसंख्या कितनी है 2020 के अनुसार। अगर आप भी इस नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसे कंप्लीट देखें। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचते रहे। साथ ही आप हमारे जीके के ऐप को डाउनलोड कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल आबादी 6,85,48,437 थी। 6,50,00,000 की कुल आबादी के साथ 2011 की जनसंख्या में राजस्थान भारत के राज्यों में आबादी के आधार पर 8वें स्थान पर रहा है। वहीं राजस्थान के कुल क्षेत्रफल पर नज़र डालें तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि आबादी के आधार पर यह 8वां सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की डेंसिटी सिर्फ 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की सेंसस के अनुसार ही राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। यहाँ की साक्षरता दर महज 66.1% है, जबकि लिंगानुपात के मामले में भी राजस्थान की स्थिति भारत के औसत आंकड़ों से भी काफ़ी कम है। यहाँ का सेक्स रेशियो 1000 पुरुषों पर मात्र 928 महिलाएं ही है। राजस्थान भारत के उन राज्यों में गिना जाता है जहां जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा लगभग स्थिर ही रहती है। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कभी भी 3% से अधिक नहीं पाई जाती। 2001 में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर 2.53% दर्ज की गई थी, वहीं 2011 में यह महज 1.95% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल आबादी में 88.49% हिंदू धर्म के मानने वाले थे, वहीं 9.07% के साथ इस्लाम धर्म राजस्थान का दूसरा प्रमुख धर्म रहा था। वहीं सिख धर्म के मानने वालों की संख्या राजस्थान में 1.27%, जैन धर्म वालों की संख्या 0.1%, क्रिश्चियन धर्म वालों की संख्या 0.1% तथा 0.02% बौद्ध धर्म के मानने वालों की थी। वहीं 0.01% लोग अन्य धर्मों के तथा 0.1% लोग किसी भी धर्म के मानने वाले नहीं थे। आमतौर से राजस्थान को भारत के हिंदी भाषी राज्यों में गिना जाता है, लेकिन 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल आबादी में 36.88% लोग राजस्थान की स्थानीय भाषा राजस्थानी ही बोलते हैं, जबकि 27.34% लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। इसके अलावा राजस्थान में बड़ी संख्या में मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागरी, हाड़ौती, ढूंढरी, पंजाबी, बागरी और ब्रज भाषा बोलने वाले हैं। इन सब भाषाओं के अलावा 1.17% लोग उर्दू भाषा का भी उपयोग करते हैं। आमतौर से राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है, लेकिन राजस्थान की पहली आधिकारिक भाषा हिंदी है, जबकि इंग्लिश को दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। वहीं गुजराती, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू को तीसरी राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। राजस्थान की वर्तमान आबादी की बात करें तो 2020 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की आबादी 7,91,00,000 तक पहुंच चुकी है। वहीं 2020 में राजस्थान में सेक्स रेशियो में भी गिरावट देखने को मिली है। अब यहां 1000 पुरुषों पर केवल 926 महिलाएं ही रह गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना राजस्थान की जनसंख्या कितनी है। अगर ये नॉलेज आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करना ना भूलें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। ऐसे ही जीके को पढ़ने के लिए आप जीके के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।